आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए बच्चों, सवाल में दिया गया कि अति चालक तार के संबंध में असत्य कथन चयनित करना है। असत्य हमें चुनना है, जिसके लिए आपको विकल्प दिए गए हैं। ये रहे आपके पास में अ, ब, स और ये है बच्चों आपके पास में द। तो अति चालक तार जो होते हैं बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं, अति चालक मतलब अति चालक है ना। अति चालक का मतलब क्या होता है, इनको अंग्रेजी में बोला जाता है बच्चों सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर, इनका क्या काम होता है बच्चों, इनका जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध वो कैसा होता है बच्चों, नगण्य होता है। कैसा होता है, लगभग लगभग नगण्य होता है ना। अच्छा, अगर ये नगण्य होता है तो इनकी जो विद्युत धारा को रोकने का जो इनके पास में होता है प्रतिरोध, जब नगण्य होता है यानी कि इनकी वैद्युत प्रतिरोधकता कैसी होती है बच्चों, शून्य होती है। विद्युत प्रतिरोधकता भी क्या होती है, विद्युत प्रतिरोधकता शून्य होती है। ये छोटे छोटे से पॉइंट है भाई। हमारे पास में तीन तरह के होते थे, चालक, अर्धचालक, कुचालक है ना। चालक अच्छा धारा का चालन करते थे, लेकिन ये उससे भी अच्छे चालक हैं है ना। तो इनकी विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है, लगभग शून्य होती है। मैं लगभग लिखूंगा यहाँ पे, लगभग शून्य होती है, प्रतिरोध लगभग नगण्य होता है ना। और ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर निकाल देता है और उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, क्योंकि धारा का मान इसमें क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। जो आई होती है बच्चों इसमें, वो ज्यादा होती है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, सबसे पहले तो धारा का प्रवाहन इनके पृष्ठ से होता है। जी हाँ बच्चों, ये वाला हमारा एकदम सत्य है ना, ये वाला सत्य है, क्योंकि चालकों में धारा का प्रवाह हमेशा किसमें होता है बच्चों, पृष्ठ से होता है। और धारा का प्रवाहन तार के संपूर्ण अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से होता है। जी नहीं बच्चों, ये वाला हमारा असत्य है, क्योंकि इसके सतह पर से होता है। ठीक है, दूसरा, ये जो अतिचालक तार है इनकी सतह पर विद्युत धारा चलती है, अंदर नहीं चलती। इसकी विद्युत प्रतिरोधकता शून्य होती है, जी हाँ बच्चों। और आरोपित चुंबकीय क्षेत्र जो है बाहर निकाल देती है, ये वाला हमारा सत्य है, जैसा कि अभी अभी हमने बताया। और यह उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में प्रयुक्त होता है, क्योंकि आई का मान क्या होता है बच्चों, इसमें धारा का मान ज्यादा होता है, तो बी वेक्टर का जो मान होगा वो भी ज्यादा होगा। तो ये वाला भी हमारा सत्य है। हमसे सवाल में पूछा गया है कि असत्य कथन चुनिए, तो जो हमारा असत्य कथन है वो है बच्चों ब। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।